बांदा चित्रकूट संसदीय क्षेत्र में आज ब्राह्मण समुदाय के 5 प्रत्याशियों के साथ कुछ 16 पर्चा खारिज किए जाने से रिटर्निंग अफसर के सामने ही प्रत्याशियों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। आज बांदा के कलेक्ट्रेट में नामांकन पत्रों की जांच की गई, जिसमें जांच के बाद 8 पर्चे खारिज कर दिए गए। इन पर्चों में ब्राह्मण प्रत्याशियों के करीब 5 प्रत्याशियों के पर्चे खारिज किए गए। इनमें भाजपा के बागी प्रत्याशी अशोक त्रिपाठी के अलावा चंद्रशेखर अवस्थी, के दीक्षित, चंद्रशेखर तिवारी और भूपेंद्र शुक्ला आदि शामिल हैं। एक ही समुदाय के 5 प्रत्याशियों के पर्चे खारिज किए जाने पर प्रत्याशियों ने प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। नामांकन पत्र खारिज होने के बाद सभी ब्राह्मण प्रत्याशी इसी बात से नाराज होकर धरने पर बैठ गए और जिलाधिकारी को भ्रष्ट बताते हुए जमकर प्रदर्शन किया। प्रत्याशियों का कहना है कि बांदा चित्रकूट सीट से बीजेपी हाईकमान भैरव प्रसाद मिश्र का टिकट काटकर आर के पटेल को दे दिया गया। इसके बाद से ब्राह्मण प्रत्याशी नाराज हैं। इस लोकसभा में ब्राह्मणों के लगभग 5 लाख वोट हैं। हार के डर से बीजेपी प्रत्याशी के इशारे पर हमारे पर्चे रद्द कर दिए गए हैं। तो इन्होंने पहले से इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि आप चंद्रशेखर अवस्थी का, फलाने का, ढकाने का इनका खारिज करिए, इसलिए जितना ब्राह्मण है। तो उन्होंने पहले हमें 2 इंस्ट्रक्शन दिया कि आप फोटो नहीं लगाया, फोटो ये बाई कितने बाई कितने की लगती, छोटी वाली तो वो नहीं लगी, ये मझोली है, ये छोटी क्या नौटंकी है, अरे छोटी है मझोली है, फिर हमने लाए फोटो दे दिया। दूसरा इंस्ट्रक्शन था कि बैंक का जो खाता खुलवाते हैं चुनाव वो नहीं दिया, तो आप दे देना। आज के लिए हमें कहा था कि आप दे देना, टाइम नहीं बताया, और फिर हम टाइम से आ भी गए। जब आप समीक्षा कर रहे हैं उस टाइम में आ गए, हम लेना चाहिए जो टिकट उन्होंने, लूंगा मैं जो टिकट उन्होंने कहा कि ये 10 रुपया हमारे कहने से बंद हो जाऊंगा, बंद करवा दीजिए। 20 रुपया की स्टाम्प लगती है, हम 10 रुपया वकील बनाते हैं, वकीलों को अनुभव होता है, अरे 10 रुपया 20 रुपया कोर्ट में लगती है। सब आपका क्या है जो है 25,000 रुपया सिक्योरिटी हम लोग जमा किए हैं, इंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हो कि नामांकन इनका कैंसिल करना है चाहिए। अभी 4 बजे का टाइम है, 4 बजे टाइम होता है, और हिंदी में इंस्ट्रक्शन नहीं, अंग्रेजी में इंस्ट्रक्शन। बहुत लोग अंग्रेजी नहीं पढ़े हमारे बांदा में, अरे नहीं पढ़े, हमें पता भी नहीं चलता क्या है क्या मतलब। तो मैं अपील करता हूँ चुनाव आयोग से कि इसमें तुरंत एक्शन ले और ऐसे डीएम को यहाँ से तुरंत हटाया जाए, भाग छोड़ के नहीं आ रहा ऐसे झूठ डीएम को। इस बारे में बांदा जिलाधिकारी का कहना है कि चुनाव के लिए 24 पर्चे आए थे, जिनको आज जांचा गया है, जिनमें 8 पर्चे सही व 16 पर्चे इनवैलिड पाए गए हैं। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार पर्चों को जांचा गया है और उनमें कमियां पाए जाने पर 16 पर्चे निरस्त किए गए हैं। बुंदेलखंड कांग्रेस पार्टी से मैं चुनाव लड़ रहा था, पूरी बुंदेलखंड कांग्रेस पार्टी भैया पूरी तैयारी कर रहा था मैं 3 महीने से, और पर्चे में कोई कमी नहीं थी, बस 10 रुपए के स्टाम्प की जगह 10 रुपए के टिकट लगे हैं जो सभी जगह मान्य होते हैं। इन्होंने उसके आधार पर मेरा पर्चा खारिज कर दिया, और जो नोटिस दिया था 10 बजे से मैं यहाँ स्टाम्प लिए बैठा हूँ, तो अपने व्यस्तता में थे, हमने कहा इसको जमा कर लीजिए सर, तो बोले अभी रुक जाओ, लेते हैं। और भी कितने प्रत्याशियों का काटा गया? टोटल ब्राह्मण प्रत्याशियों का पर्चा खारिज किया गया है। क्योंकि ब्राह्मण प्रत्याशी का सिटिंग सांसद भैरव मिश्रा जी का टिकट काट के माननीय आर के पटेल जी को टिकट दिया गया, इसलिए ब्राह्मणों में स्वयं 5.5 लाख मतदाता होते हुए ब्राह्मणों को लगा कि हम चुनाव लड़ेंगे, इसलिए उन्होंने कोई निर्दलीय कोई छोटी पार्टी हो तो चुनाव लड़ रहे थे। इसकी वजह से उनको ये भय था कि कहीं आर के पटेल जी चुनाव ना हार जाए, ब्राह्मण एकजुटता की वजह से इकट्ठा वोट पड़ेगा तो आर के पटेल जी चुनाव हार जाएंगे, इसलिए उन्होंने सभी ब्राह्मणों के पर्चे खारिज कराने का काम माननीय आर के पटेल जी के कहने पर किया जा रहा है और कर दिया गया है। सब खारिज आयोग माननीय आयोग महोदय के नियमानुसार एक भी पर्चा खारिज नहीं किया गया, ये मनमानी अनुसार पर्चा खारिज किए गए हैं। श्रीमान किसकी मनमानी है? माननीय जिलाधिकारी जी की, क्योंकि वो 10 रुपए का टिकट या 10 रुपए का स्टाम्प एक ही सर्वमान्य होता है। बांदा से जीतू श्रीवास की रिपोर्ट।